देशभर में लगातार हो रही बारिश से नाले और नदियां पूरे उफान पर आ चुके हैं। उधर अंबाला में भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। बता दें कि अंबाला से निकलने वाली ट्रेन रद्द कर दी गई है, साथ ही उनके जो रूट हैं वो भी बदल दिए गए हैं। वहीं ट्रेन रद्द करने के कारण बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसकी वजह से प्राइवेट बस समेत रोडवेज की समिति जो बसें हैं वो सीमित होने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस अड्डा इंचार्ज रामरत्न शर्मा का कहना है कि बारिश और बाढ़ का असर रोडवेज पर ज्यादा नहीं पड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ इसलिए है क्योंकि ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं और कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिसके सारे यात्री बसों से जा रहे हैं, लेकिन अब भीड़ कम हो गई है। कहीं भी कोई भी रूट हमारा बंद नहीं है। हमारी बसें अमृतसर जा रही हैं, जो अपना बैद्यनाथ जा रही है, कुल्लू जा रही है, देहरादून जा रही हैं, हरिद्वार जा रही हैं, जो जिसके टाइम है कोई भी बस रुके। सुबह सुबह रश हो गया था, सवेरे ट्रेनें बंद हो गई थी। ट्रेनें बंद होने के कारण उन गाड़ियों को सवारी ज़्यादा होगी। मैंने आगे कई गाड़ियाँ, 5-6 गाड़ियाँ चंडीगढ़ स्पेशल भेजी और जमुना नगर भेजी, सारा रश क्लियर करवा दिया। कोई दिक्कत की थी सवारी को, कोई परेशानी नहीं होने।